Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time. दोस्तों आज मैं OnePlus 12R और Iconeo 9 Pro का कंपैरिजन बताने वाला हूँ। OnePlus 12R ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और Iconeo 9 Pro 22 February को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और Iconeo 9 Pro का ऑलरेडी प्री बुकिंग भी शुरू हो चुका है और प्री बुकिंग के क्या फायदे हैं वो आपको मेरे वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों OnePlus 12R चाइना में लॉन्च हुआ, OnePlus A3 का रीब्रांडेड वर्जन है और Iconeo 9 Pro चाइना में Iconeo 9 के नाम से लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो भी देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोनों फोन्स 35,000 से 40,000 के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। दोनों फोन्स में पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल जाता है। अगर दोनों फोन्स के एक्जैक्ट प्राइस की बात करें तो OnePlus 12R 12GB RAM 256GB स्टोरेज वेरिएंट की जो प्राइस है वो इंडिया में 39,999 से शुरू होती है। एज पर लीक Iconeo 9 Pro की जो पहले प्राइस आई थी लीक्स में वो 34,999 थी, लेकिन कल के लीक में इसकी जो प्राइस है वो 30,000 आई है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है तो ये बेस्ट फोन है इस सेगमेंट का। OnePlus 12R के कंपेयर में Iconeo 9 Pro ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि 5,000 से लेके 10,000 तक प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों आपको इस प्राइस रेंज में एक कॉमन फ़ोन लेना है या तो फिर गुड लुकिंग टेक्सर्ड वाला फ़ोन, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इन दोनों फोन्स के डिफरेंस देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Iconeo 9 Pro में ड्यूल फ्रीक्वेंसी GPS मिसिंग है जो OnePlus 12R में मिलता है। प्लस Iconeo 9 Pro में प्लास्टिक की फ्रेम मिल जाती है जो OnePlus 12R में मेटल की मिलती है। Iconeo 9 Pro में OnePlus 12R के कंपेयर में 300mAh की कम बैटरी मिलती है, लेकिन Iconeo 9 Pro में OnePlus 12R के कंपेयर में 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो OnePlus 12R में 100W का मिलता है। और हैंड फील भी Iconeo 9 Pro की ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। फ़ोन काफ़ी हैंडी लगता है क्योंकि OnePlus 12R के कंपेयर में Iconeo 9 Pro का वेट भी हल्का है। Iconeo 9 Pro में Sony IMX 920 फ्लैगशिप कैमरा सेंसर मिल जाता है जो Vivo के फ्लैगशिप फोन X100 में मिलता है। साथ में Iconeo 9 Pro में Q1 डिस्प्ले चिप भी मिल जाती है जो Iconeo 12 में मिलती है। साथ में Iconeo 9 Pro में बेटर वाइब्रेशन मोटर भी मिल जाती है। OnePlus 12R की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे सेम ही डिस्प्ले मटेरियल का यूज़ हुआ है जो OnePlus 12 में हुआ है, लेकिन रिजोल्यूशन 1.5K का मिलेगा जो OnePlus 12R में QHD मिलता है। लेकिन लो लाइट कंडीशन में थोड़ा बहुत कलर कास्ट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और ये कर्व्ड स्क्रीन है तो थोड़े बहुत ग्रीन एजेस भी देखने को मिलेगी, लेकिन डेली यूज़ में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। अब Iconeo 9 Pro की बात करें तो फ़ोन में लार्जर फ्लैट स्क्रीन मिल जाती है, तो ये पर्सनल यूज़ और गेमिंग के लिए एडवांटेज है क्योंकि फ्लैट स्क्रीन तो ऑपरेशन में कंफर्टेबल मिलेगी और स्टिकी फील मिल जाती है। इवन आप फ्लैट स्क्रीन में इजीली टेंपर्ड ग्लास का यूज भी कर सकते हैं और यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन की तरह ग्रीन एज का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ एक बात है, कर्व्ड स्क्रीन फोन को हाई एंड फील देती है, लेकिन फ्लैट स्क्रीन डेली गेमर्स के लिए बेटर है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको Iconeo 9 Pro को कंसीडर करना चाहिए। इवन प्राइस भी OnePlus 12R से कम है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गेमिंग दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट लेके आती है। दोनों फोन्स में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन Iconeo 9 Pro में Q1 डिस्प्ले चिप का एडवांटेज मिल जाता है। Iconeo 9 Pro ज़्यादा बेटर है तो गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगा और यही चिप Iconeo के फ्लैगशिप फोन Iconeo 12 में भी मिलती है और इस डिस्प्ले चिप की हेल्प से गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो Iconeo 9 Pro में फ्लैगशिप कैमरा मिल जाता है जो Vivo के X100 में मिलता है। Sony IMX 920 सेंसर मिल जाता है और साथ में यहाँ पे भी Q1 चिप का बड़ा रोल है, तो इस चिप से सिर्फ गेमिंग में ही नहीं कैमरा एल्गोरिदम में भी हेल्प मिल जाती है। वही OnePlus 12R में क्लासिक कैमरा सेंसर मिल जाता है Sony IMX 890 और Iconeo 9 Pro के कैमरा में सेम ही एल्गोरिदम का यूज हुआ है जो Vivo के X100 में हुआ है। आप यहाँ पे दोनों के सैंपल फोटोज देख सकते हैं। इन माय सब्जेक्टिव ओपिनियन Iconeo 9 Pro में फोटोज बेटर मिलती है। अब बैटरी की बात करें तो OnePlus 12R में 5500mAh की बैटरी मिल जाती है, वही Iconeo 9 Pro में 5160mAh की बैटरी मिलती है, तो यहाँ पे OnePlus 12R बेटर है और स्क्रीन ऑन टाइम भी OnePlus 12R का 1 आवर ज़्यादा मिल जाता है।
OnePlus 12R का यूज सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक यूज करने पे भी बैटरी 40% रिमेनिंग रहती है। वही iQOO Neo 9 Pro में 25 से 30% बैटरी रिमेनिंग रहेगी, यानी दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बैटरी लाइफ को आपके यूज करने के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंक्लूजन पे आए तो ओवरऑल iQOO Neo 9 Pro में गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर मिल जाता है, लेकिन बिल्ट में OnePlus 12R और लुक में भी OnePlus 12R ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। बैटरी लाइफ भी OnePlus 12R में बेटर मिल जाती है। बैटरी आसानी से एक दिन तक चलती है, लेकिन आपको थोड़ा फंकी फोन चाहिए तो आप iQOO Neo 9 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बिल्ट में प्लास्टिक फ्रेम मिलेगी, लेकिन इस प्लास्टिक फ्रेम में फोन लाइटवेट भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन OS 14 का एक्सपीरियंस फ्रंट टच OS 14 से ज़्यादा बेटर मिलता है। एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ मिल जाते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस OnePlus 12R में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो अगर 30,000 में iQOO Neo 9 Pro मिलता है तो सब कुछ भूल जाओ, iQOO Neo 9 Pro पे फोकस करो, क्योंकि 10,000 का प्राइस डिफरेंस ह्यूज होता है। तो दोस्तों, आप कौन सा फोन पसंद करेंगे, OnePlus 12R या तो फिर iQOO Neo 9 Pro, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए x.com फॉर्मली ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, और 1 मिनट में सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your